नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। राष्ट्र न्यूज की स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में आज हम बात करेंगे जनता के हक की। देखिए, पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर यहां की एसोसिएशन के द्वारा मांग की गई और हड़ताल करते हुए ये भी बात रखी गई कि आने वाले चुनाव को लेकर जनता को पेट्रोल डीजल के दामों में राहत दी जाए। इस दौरान गैस के दाम पर सरकार ने करीब 100 रुपये के कीमत तो कम की थी, लेकिन पेट्रोल डीजल के भाव जो है वो पिछले कुछ विधानसभा की यदि हम बात करें तो विभिन्न चुनावों में जो भाव है, जो ट्रेंड है, या यूँ कह सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है उनके भाव, पेट्रोल डीजल के भाव है, वो सरकार द्वारा कम किए जाते रहे हैं। यहाँ आज सेगमेंट में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछली विधानसभाओं में किस तरह की पेट्रोल डीजल के भाव थे और किस तरह से सरकार ने चुनाव को लेकर ये कम किए हैं। ऐसे में इस बार लोकसभा का 2024 का ये जो चुनाव है ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और मेवाड़ की बात स्पेशल कार्यक्रम में स्वागत। क्या कहते हैं ये ट्रेंड को लेकर, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल यह प्रयास करता है कि वह जनता को लुभाए, और लुभाने के जो जो भी तरीके होते हैं उसका इस्तेमाल करता है, और उसमें खास तौर से आम उपभोक्ताओं पर प्रभाव डालने वाले पेट्रोल और डीजल महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, महत्वपूर्ण चीज है, उस पर लोक लुभावन के लिए जब भी चुनाव आते हैं सरकार इसका प्रयोग करती है। जिसके हाथ में सत्ता होती है, जो कर सकता है, वो इस चीज का उपयोग करता है और भाव घटाता है। अमूमन सरकार इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर बहुत कम सुन पाती है, लेकिन आपकी तो एक ही बार की हड़ताल है, इस बार सुन ली गई? नहीं, देखिए, हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है। राजस्थान में जब कोरोना आया था तब एकदम से राजस्व की कमी आई थी, तो सरकार ने, जो राज्य सरकार थी तत्कालीन सरकार ने, मतलब कोरोना में खर्चा भी बहुत हो रहा था, उस राजस्व की आमदनी के लिए बढ़ाने के लिए उस समय एकदम से वेट में बढ़ोतरी करी थी, परंतु धीरे धीरे कोविड पर नियंत्रण हो गया और वो सब चीज ठीक हो गई। तो दूसरे राज्य सरकारों ने भी ऐसा देश भर में किया था, उन्होंने अपने जो बढ़ाए हुए तत्कालीन जो अल्प समय के लिए बढ़ाए जो वेट था उसे वापस ले लिया, परंतु राजस्थान की सरकार ने ऐसा नहीं किया, उसका उपयोग करते हुए और उसे स्थायी कर दिया। उस समय से उससे ये हुआ कि राजस्थान में, चूंकि राजस्थान में खासतौर से उदयपुर जिला है, डूंगरपुर जिला है, ये दोनों सीमावर्ती जिले हैं गुजरात के, और राजस्थान में जो भी ट्रैफिक चल रहा है वो दिल्ली से आता है, और इस जिसे नेशनल हाईवे 8 कहा जाता था, यानी कि जो जयपुर वाया चित्तौड़ और ये सब होकर एक ट्रैफिक अहमदाबाद और मुंबई की तरफ जाता है, इस रूट पर काफ़ी अधिक वाहनों का मूवमेंट है। जब इसी क्षेत्र में अगर आगे गुजरात में अगर डीजल सस्ता मिलेगा, पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो राजस्थान में धीरे धीरे बिक्री है घटती गई और ऐसे हालात हो गए कि जो राजस्थान पर जो बॉर्डर के पेट्रोल पंप है, जहाँ पर बहुत अधिक अच्छी सेल हुआ करती थी, उसकी जगह सुने रहने लग गए। हम पेट्रोल पंप व्यवसायों की आय में इतनी गिरावट आई कि लोगों ने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए, नुकसान भी कितना नुकसान कि जिसे सहन न किया जा सके। फिर हमने इस बात पर दबाव बनाया सरकार पर, अपनी बात सरकार को पहुंचाई, हमने पहले ब्लैकआउट किए, 2 घंटे का ब्लैकआउट किया, हमने 1 घंटे या रोजाना 2 घंटे के बंद किए, इस प्रकार से हमने आंदोलन के विभिन्न चरण चलाए। उसके बाद भी उस समय जो तत्कालीन सरकार थी उनके कानों पर जू नहीं रहेंगी, हमने दूसरी बार 2-2 दिन का बंद का आह्वान किया, और अपनी बात को आप सब लोगों यानी कि मीडिया के माध्यम से हमने जनता तक पहुंचाया कि यह जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मांग है, यह सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे व्यवसाय के लिए नहीं है, आम जनता जो देश भर में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रही है, क्या राजस्थान ने क्या गुनाह कर लिया इस जनता ने जो सरकार इन्हें इस तरह से महंगा पेट्रोल डीजल दे रही है? यह बात हम अपने आंदोलनों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने में सफल हो गए, और उसका ये प्रभाव हुआ कि उस समय की तत्कालीन सरकार थी वो कुछ संकट में आई, और हमने जब चुनाव आने वाले थे उससे पहले अपने आंदोलन को और मजबूत किया, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि चलो हम इस पर एक कमेटी बनाते हैं, और हमने अपनी हड़ताल वापस ली। उस कमेटी को 7 दिन में रिजल्ट देना था, उस कमेटी ने 7 दिन में रिजल्ट नहीं दिया, फिर हमने हड़ताल शुरू करी तो उन्होंने कहा अच्छा हम कमेटी को काम देते हैं, और उन्होंने धीरे धीरे इस समय को पास किया और आचार संहिता आ गई, तो कुल मिलाकर हमारा आंदोलन रुक गया, रोकना पड़ा। और इसी दौरान एक अच्छी बात हुई कि जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने हमारी इस मांग को
महत्वपूर्ण समझते हुए अपने मैनिफेस्टो में, राजस्थान के इस चुनाव के मैनिफेस्टो में अन्य राज्यों से जो अधिक महंगा पेट्रोल डीजल है, इसको, इस विषय को अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर लिया। और इस बात पर जब भी, लेकिन मैं आपको बीच में रोकूंगा, यहाँ पर भी आपको हड़ताल करनी पड़ी, मैनिफेस्टो में तो लागू कर लिया लेकिन हड़ताल लागू करनी पड़ गई। देखिए बात सही है, परंतु अब यह हुआ कि सरकार आ गई, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को अपने भाषणों के दौरान इसका उल्लेख किया कि हम जब 4 नवंबर को हमारी सरकार आएगी तो हम इस पर विश्लेषण करेंगे। और जब सरकार आ गई, हमने इंतजार किया नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, और जब और नहीं करा और देखा कि अब सरकार चुनाव वाले, तो हमने आंदोलन का फैसला किया। पहले उनको पत्राचार किया इस सरकार को कि भाई आपके मैनिफेस्टो के अनुसार जो आपने जनता को वादा किया है उस वादे को पूरा करना चाहिए। सरकार पर कोई असर नहीं आया, तो फिर हमने आंदोलन की राह पकड़ी और हमने 48 घंटे के बंद का आह्वान किया। तब सरकार संकट में आई और हमने फिर अपनी बात को पहुंचाने के लिए मीडिया, आप लोगों का सहयोग प्राप्त किया और हमने कहा कि हमारा आंदोलन अब आंदोलन नहीं है, अब हमारा आंदोलन वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन है कि अब तो सत्ता आ चुकी है, डबल इंजन की सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार है, आपके हाथों में आ चुका है, आपने जो वादा किया है उस वादे को, उस गारंटी को, गारंटी की गारंटी, ये सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो हमने कहा ये भी गारंटी थी, इसे पूरा करो। तब सरकार संकट में आई और हमसे आश्वासन लिया और फिर बाद में मजबूरी से चुनाव से पहले इन्होंने घटाया। अगर आंदोलन नहीं करना पड़ता तो यह श्रेय उनको जाता, चूंकि हमने आंदोलन किया और इसका गया, तो जनता ने हमारी बात को महत्वपूर्ण समझते हुए हमें भी धन्यवाद प्रेषित कर रही है। जो पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, अधिकांश यहाँ से लोग ट्रैवलिंग करते हैं, मेडिकल को लेके भी जाते हैं और दूसरे व्यवसाय के लिए जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जैसा कि आप बता रहे हैं पेट्रोल वहाँ से भरवा कर यहाँ आ रहे थे। तो इस दौरान भी सरकार को ये नहीं लगा कि राजस्थान का पेट्रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, डीजल काफ़ी ज़्यादा है और अब तो भाव कम करने चाहिए? आखिरकार आपको हड़ताल का जो है वो रास्ता अपनाना पड़ा? हम तो बहुत समय से, काफ़ी समय से इस बात को सरकार तक पहुँचा रहे थे कि जितना अधिक कर होगा लो और बचा सकते हैं तो जनता तो बचाएगी जी। एक वाहन है जो दिल्ली से चलता है वो चलता है, अच्छा ऐसा तो नहीं, वो तो नियमित चलेगा, अगर उसे रास्ते में जहां भी सस्ता मिलेगा उसका प्रयोग करेगा, अगर थोड़ा महंगा है तो वो उस स्थान तक पहुंचने के लिए उतना ही लेगा उत्पाद कि वो उस अगले सस्ते चीज तक पहुंच जाए। अब यहाँ हो रहा था कि गुजरात में सस्ता था तो राजस्थान में उसको उस गुजरात की बॉर्डर तक पहुंचने के लिए जितना आवश्यक था उतना ले लिया करता था, और इसकी वजह से राजस्थान में काफी राजस्व का नुकसान चल रहा था जी। क्योंकि यूं समझ लीजिए कि आप 1 लीटर डीजल पर 15 रुपए का वेट राजस्थान सरकार को लगभग मिलता है। अब उस 2 रुपए गुजरात में सस्ता होने के कारण वह 17 लग रहा था, 15, तो राजस्थान का 15 भी तो जा रहा था उस 2 रुपए के पीछे। तो हम उनको ये बताने में सक्षम रहे कि देखिए कम होगा तो बिक्री ज्यादा आएगी। एक और थी कि यही अंतर राजस्थान में, एक चीज बहुत अजीब सी चल रही थी कि जो पंजाब का जो बॉर्डर है, यानी कि वहां पर जो अपना हनुमानगढ़ जिला है जी, गंगानगर जिले हैं जी, वहां जो चलता है उसका अंतर पेट्रोल और डीजल दोनों में लगभग 10 से 12 रुपए था। तो वहां पर जो सीमावर्ती पेट्रोल पंप है वो तो बिल्कुल ड्राई रहते थे, बिक्री नहीं होती थी पूरे दिन में, इतना कम कि लोग मतलब चलाना ही मुश्किल चल रहा था। और वहां पर एक बहुत बड़ी चीज चल रही थी, तस्करी चल रही थी। जब इतना अंतर होगा तो तस्कर सक्रिय हो जाएंगे, माफिया सक्रिय हो गया, पेट्रोल माफिया, डीजल माफिया, जो वहां से चोरी छुपे लाता और राजस्थान में बेचता, मार्जिन मिलता तो कोई भी चीज, अवैध चीज चल पड़ती है। हमने ये बात भी इस सरकार के माध्यम से पहुंचाई और आज जो अंतर है, अब रुपये 2 रुपये का रह गया है, रुपये का अंतर, तो इसका फायदा सरकार को सीधे सीधे मिलेगा, राजस्व में कमी नहीं आएगी। राजेश्वर जी के पास में आज इस मुद्दे पर हम इसलिए चर्चा करने पहुंचे क्योंकि ये मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ होता है और ये ट्रेंड माना जाता है कि यदि चुनाव के दौरान कोई पेट्रोल डीजल पर भाव घटाए जाते हैं तो जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार ने काम किया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अब इस चुनाव में जो ट्रेंड अपनाया गया है, 10 रुपये करीब माना जा रहा था, 12 रुपये हमारे पड़ोसी राज्य में कम है, तो जो दाम राजस्थान में घटाए करीब 4 रुपये के आसपास का शायद कम हुआ है, क्या कहते हैं आप, ये संतुष्ट हैं इससे आप? देखिए अगर ये पूरा ढंग से देखा जाए तो गुजरात भी अपना आर्थिक रूप से संचालन कर रही है, वहाँ के लोग भी हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री है, वे कम लेकर भी इस काम को कर पा रहे हैं। तो राजस्थान में ऐसा क्या है कि वे इतना जनता को अधिक दाम देना पड़ रहा है, यहाँ की जनता ने क्या गुनाह कर लिया? और अब तो हम ये कहेंगे भेदभाव मान लें,
भेदभाव मान लें, या यूं कहेंगे उस समय अलग अलग पार्टियों की सरकारें थी, अब तो दोनों जगह और केंद्र में सब जगह एक ही पार्टी की सरकार है, तो ये अंतर क्यों? जी, हरियाणा सस्ता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में वहां भी अंतर कम है परंतु है, राजस्थान अभी भी कुछ जगह से अभी भी थोड़ा महंगा ही है, और पेट्रोल में तो गुजरात से और हरियाणा से दोनों से अभी भी बड़ा अंतर है। पेट्रोल में लगभग गुजरात से 8 रुपये का अंतर आज भी है और हरियाणा से 6 से 7 रुपये का अंतर आज भी है पंजाब और हरियाणा से। जी, अब आप ये बता दीजिए, ये कदम अगर राज्य सरकार के द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा में उठा लिया जाता या विधानसभा चुनाव में उठा लिया जाता तो राजस्थान की स्थिति कैसी होती और कितना इकोनॉमिक हम ठीक बनते और जनता के लिए क्या राहत का काम हो जाता? देखिए, ये चीज ऐसी होती है कि राजनीतिक दल जो है वो किस अपनी मतलब ताकत के साथ इस काम को कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। आज तत्कालीन सरकार यदि इस काम को करती तो चूंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसा चीज है जिससे आम उपभोक्ता, आम व्यक्ति जुड़ा हुआ, आम व्यक्ति, हर व्यक्ति को घर में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, तो उसकी राहत सब तक पहुंचती, परंतु तत्कालीन सरकार थी वे कुछ वर्ग विशेष को ही सहायता देना चाहती थी और इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत बुरी हार राजस्थान में हुई और भाजपा ने इस मुद्दे को बनाया तो उनको सफलता प्राप्त हुई। ये सेंसिटिव मुद्दा है, इसे सरकार को भूलना नहीं चाहिए। चुनाव में इस पेट्रोल के दामों को कम करने को लेकर जनता के प्रति आप कितना अटैचमेंट देखते हैं? क्या कुछ इस पर मतदान पर भी फर्क पड़ता है? क्या कुछ रुझान बदलता है? आप क्या मानते हैं? देखिए, सीधा सीधा जब जनता के मन की बात, जनता के जेब की बात, जनता की सोच की बात, इन बातों को अगर राजनीतिक दल विचार करते हैं तो उसका असर वोटों पर जरूर आता है। जी, जहां आदमी का स्वयं का जुड़ाव होता है उसका असर मतदान पर तो होता ही है, और जो इस पर ध्यान नहीं देता है उसका होता है। इसलिए मैं आपको पहले ही शुरुआत यहाँ से की थी, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी दल इस बात का ख्याल रखते हैं, आए हैं और रख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे क्रूड ऑयल है, अब ये सब बताया जा रहा है कि कई बार हम युद्ध के हालात से गुजर रहे हैं, ऐसे में लगातार भाव बढ़ते हैं, कच्चा तेल सरकार हमेशा खरीद कर रख लेती है। अभी इंडिया के पास में जो कुछ स्टॉक है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, और भाव कम ज़्यादा हो जाना चाहिए, क्या कहते हैं आप? देखिए, अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है जी, उसकी वजह से एकदम से बहुत दाम बढ़े थे, परंतु भारत सरकार की दूरदर्शिता के कारण हमने दुनिया भर के दबाव के बावजूद हमने रूस से एक समझौता करके सस्ता क्रूड ऑयल प्राप्त किया और भारत की जनता को हमारी केंद्र सरकार की दूरदर्शिता की वजह से एकदम से उस तूफान का सामना नहीं करना पड़ा, और यूँ कहें कि दाम नहीं बढ़ाए। लगभग अभी 2 वर्षों से 1.5 वर्षों से एक जैसे दाम चल रहे थे, GST वेट बढ़ाने से बढ़ा, परंतु केंद्र सरकार ने, जो हमारी पेट्रोलियम मंत्रालय, उन्होंने नहीं बढ़ाए, तो उसका असर तो रहता है। इन्होंने सारा भार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम चलते हैं उस पर छोड़ रखा है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम बढ़ते हैं तो बढ़ाए जाएंगे, परंतु जब भी इसका लाभ मिलता है, घटना चाहिए, तब सरकारें घटाती नहीं है, ये बात तो स्पष्ट है। जी, ये राजेश्वर जी जो बात कह रहे हैं इसको समझने लायक है, जब जनता के लिए ज़रूरत होती है और घटाना जब ज़रूरी होता है उस समय सरकारें घटाती नहीं है। राजस्थान अभी भी खुद को ठगासा महसूस कर रहा है, भेदभाव कहीं कहीं ज़रूर लग रहा है, वो भी अब जब डबल इंजन की सरकार है। सर, आप ये बता दीजिएगा कि जो ट्रेंड चुनाव में हम देखते हैं, पहले विधानसभाओं की कुछ हम बात करें तो लगातार पेट्रोल के भाव उसी समय कम हुए जब चुनाव आए, इस बार आपकी डबल इंजन की सरकार बन गई है, उसके बाद लोकसभा चुनाव में हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो आप ओवरऑल उपभोक्ताओं के लिए क्या देते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, पहले क्या ज़्यादातर ट्रेंड यही चला था, जब जब भी विधानसभा के चुनाव आए तब तब केंद्र सरकार ने और राज्यों ने, जहां दोनों थे, किसी ने वेट घटाया, कहीं ऊपर से जो केंद्रीय करों में कटौती करके दामों को कमी की गई। पहली बार ऐसा मौका आया जब केंद्र सरकार ने इस लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में टैक्स घटाकर और दामों में कमी की है, तो यह एक सरकार की दूरदर्शिता समझे या लोकतंत्र में अवसर को बुनाने का मौका है, या इस बार केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेंड देखने में आया है जी। तो इसका असर तो अब चुनाव के बाद परिणामों में ही देखा जाएगा जी। दर्शक जो ये एक स्पेशल इंटरव्यू देख रहे हैं उनके मन में तो यही भाव है कि
जो पैसा है बहुत कम है और आपने वैसे ही भेदभाव की बात करी। सर अमूमन अगर आप सोचते हैं तो यहाँ कितना भाव होना चाहिए, अगर हम भारत के आज की जो आर्थिक संकट को या स्थिति को देखते हैं तो हमारे जो बाजार हैं उसके हिसाब से कितना मोटा मोटा रूप में पेट्रोल डीजल के भाव रहने चाहिए? देखिए मेरा तो ये मानना है कि जो दाम गुजरात में है पेट्रोल के आज की तारीख में जी, क्या गुजरात में ऐसा क्या है भाई, वेट ही तो कम है जी, क्या राजस्थान सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती? गुजरात सरकार की करती है तो अपने को भी करना चाहिए। जबकि गुजरात में क्रूड ऑयल नहीं निकलता, राजस्थान में अभी जैसल में बाड़मेर में रिफाइनरी में क्रूड ऑयल निकलना शुरू हो गया है और उससे भी रॉयल्टी आना शुरू हो चुकी है जी, जबकि गुजरात में ऐसा नहीं है। अच्छा जब जब भी जहां पर भी पेट्रोल और डीजल के दाम, स्पेशली डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम कम होते हैं वहां पर उद्योग धंधे अच्छे सर्वाइव करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो व्यवसाय है वो बहुत सर्वाइव करता है, वहां के लोग कम दामों में अपना कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और इसका फायदा आम जनता को मिलता है जी। तो ये दूरदर्शिता गुजरात रखती है तो मैं तो कह रहा हूँ भाई राजस्थान क्यों नहीं कर सकती, जब वहाँ आज भी जो यहाँ है उसके अंतर से 8 रुपये का अंतर है तो 8 नहीं तो उतना अंतर क्यों, जरूर कम करना चाहिए, डीजल में तो कम है पर राजस्थान में जरूर होना चाहिए जी। एसोसिएशन के करीब 200 डीलर इसमें जुड़े हुए हैं एसोसिएशन में, देखिए 200 करीब ऐसे इस एसोसिएशन में लोग जुड़े हुए हैं जिनके पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, लेकिन कितनी संतुष्टि इनको है और कितना कुछ होना चाहिए ये आप बता रहे हैं, भेदभाव है फिर भी हम जान लेते हैं, जो फैसला अभी आया है सरकार का एसोसिएशन में क्या खुशी की बात है या फिर संतुष्टि ठीक ठीक जो हो गया वो सही है? देखिए पहले दिन जब भाव घटाए तब तक हमें नुकसान हुआ जी, परंतु फिर भी उस नुकसान को वो बहुत छोटी सी चीज़ गिनेंगे जो तात्कालिक था, परंतु इसके परिणाम यूं तो दूरदर्शिता पूर्वक रहा है। इस बार इस सरकार ने एक बहुत अच्छी बात की राजस्थान में जी, कि जो राजस्थान में ही गंगानगर में और जयपुर के दामों में 4 से 5 रुपये का अंतर चला करता था, जो अब एक ही राज्य और उसमें भी 2 तरह के दाम, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले वालों ने क्या गड़बड़ की कि वो इसका दुख झेल रहे थे, दंश झेल रहे थे महंगे पेट्रोल डीजल का जी। इस बार लगभग 1 रुपये में, क्योंकि कोई भी उत्पाद है अगर पेट्रोल पंप तक या जनता तक पहुंचाया जाता है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन की कीमत जोड़ी जाती है जी, तो लगभग 1 रुपये के अंतर में, 1 से 1.25 रुपये के अंतर में पूरे प्रदेश में दामों में पेट्रोल डीजल की 1 रूपता लाने का प्रयास किया है, यह एक अच्छी बात है और इसका फायदा जो दक्षिणी राजस्थान नहीं उत्तरी राजस्थान में जो भी जिले हैं उसमें बहुत बड़ा फायदा जनता को भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 5 से 6 रुपये जो दामों में कमी जो बात कर रहे हैं ना वो उन जिलों में आई है, अपने यहाँ पर तो 3 रुपये 36 पैसे तो डीजल में घटे हैं और 3 रुपये 60 पैसे पेट्रोल में घटे हैं, परंतु वहाँ पर उन जिलों की जिनकी मैं बात कर रहा था उनमें 5-6 रुपये तक अंतर आया है और वह प्रदेश के लिए अच्छा नेतृत्व बल्ब का रहा है और उसका अंतर ये असर ये आएगा कि उन जो बॉर्डर के जो पंप हैं वहाँ पर बिक्री में बहुत अच्छी वृद्धि आएगी, बहुत अच्छी वृद्धि आएगी और अगर राजस्थान में तेल बिकेगा तो उसका राजस्व राजस्थान को मिलेगा, सरकार को भी राजस्व की में वृद्धि होगी, परंतु इसका असर अब मैं थोड़ा सा दक्षिण राजस्थान की ओर बात करूं कि जो जिले गुजरात से बांसवाड़ा जिला भी गुजरात से टच होता है, डूंगरपुर भी टच होता है और उदयपुर की जो केसरिया जी के बाद से सारे ये भी थोड़ी सी दूरी पर करता है, तो यहाँ पर उसका असर कम रहेगा, पूरा लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा कोटला के कुछ इलाके भी जहाँ वहाँ भी गुजरात टच हो रहा है जी, तो फिर भी उसका असर पेट्रोल में कम रहेगा कि आदमी 8 रुपये का अंतर है तो उसे आदमी उसे मानता है, 8 रुपये का अंतर को स्वीकार करता है कि जितना भी लाभ मिले छोड़ना नहीं चाहता जी जी, तो अगर ये और करेगी तो राजस्थान को और अच्छा फायदा होगा, यहाँ पर उद्योग धंधे अच्छे पनपेंगे, जनता खुशहाल रहेगी जी। देखिए दोस्तों राजेश्वर जी ने जो बात कही है उसको हम इस तरह से यहाँ कह सकते हैं कि पड़ोसी राज्य में अभी भी पेट्रोल के भाव हैं वो राजस्थान से सस्ते हैं, 8 रुपये यानी कि करीब 8 रुपये के आसपास का जो पैसा है रुपया है वो अभी भी गुजरात में राजस्थान की इस दर से कम है, ऐसे में यदि लोग इसका लाभ लेते हैं तो इसके लिए ये कम नहीं होता है, तो अभी भी वे पड़ोसी राज्य की इस लाभ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसे में राजस्थान में अभी भी भाव कम होने चाहिए। अब एक ये मान लेते हैं कि चुनाव तो बहुत करीब आ गए हैं और जनता भी इसी पर निर्भर रहती है, अभी नेताजी की रैलियां भी होने वाली है, कहीं पे भी पहुंचना है, सभाओं में भी जाना है तो जनता को तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन क्या ऐसा अब वो समय नहीं आ गया कि हम वैश्विक स्तर पर जो क्रूड ऑयल के भाव देखते हैं अप डाउन भी होता है
लेकिन एक ऐसा नहीं किया जा सकता है कि हम फिक्स कर लें, उस दायरे में ले लें, पहले भी ऐसा हुआ करता था। देखिए अगर आपने सरकार ने पहले ऐसा किया करती थी, पिछली सरकारें, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है उसके अनुसार कंपनियों को छूट दे दी। पहले उसका जो नुकसान होता था सरकारें वहन करती थी, फिर वो कर के रूप में लगाया करती थी। अब ये ऐसी चीज़ें जो आम उपभोक्ताओं की, उन्होंने सरकार ने, इस सरकार ने जो मोदी जी सरकार के आए थे, उन्होंने इसको मुक्त कर दिया कि भी दाम जो भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां उसे घटा बढ़ा सकेगी, तो उसका फायदा भी मिलता है जी। और जो अगर बढ़ते हैं तो बढ़ने के दामों की इसका भी रहता है। अच्छा बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में बढ़े हैं ना जी, अकेले भारत में नहीं, पर उसे निचले स्तर तक लागू करना, घटे हैं तो घटाएं और बढ़े हैं तो बढ़ाएं। अगर घटे हैं तो घटाएं नहीं और बढ़े हैं तो तुरंत बढ़ा लें, ये भी नहीं चलता। फिर भी अभी जो पिछले दो सालों में जो हालात चले हैं दुनिया में युद्ध के, उसमें भारत ने काफ़ी होशियारी दिखाई है और भारत के लोगों को दुनिया की तरह नहीं देखना पड़ा, एक स्थिरता पर हम चल सके। भारत की कंपनियों को भी नुकसान नहीं हुआ है और आम जनता को एक राहत ही मिली है। जो कुछ अभी भाव कम हुए हैं और एसोसिएशन ने जो उसके साथ समझौता किया है, आप हड़ताल तो नहीं करेंगे लेकिन सरकार को आप अभी भी अपनी मांग को एक तरह से बता सकते हैं कि अभी भी ये कम है पैसा और जो गुजरात में भाव है वही राजस्थान में भी किए जाना चाहिए, आप साफ साफ अगर कहें तो। देखिए हमने तो जो अंतर बताया था वो था जी, परंतु सरकार में जो आप जानते हैं जी कि सरकार स्वयं निर्णय नहीं लेती, एक कमेटी बनाती है, उसमें इस विषय के विशेषज्ञ होते हैं। विशेषज्ञों का रहता है कि हमेशा सरकार अपनी आय की चिंता करती है और आय की चिंता करते समय क्या होता है कि डीजल जो होता है वो तो जो बड़े वाहनों में भरता है और वो वाहन लंबे चलते हैं, उनको तो मौका मिल जाता है दूसरे राज्यों में माल लेने का जी। परंतु जो आम उपभोक्ता है, जो टू व्हीलर है या जो फोर व्हीलर है, वो जरूरी नहीं कि वो दूसरे राज्य में भरवा सके। तो सरकार क्या करती है, राजस्थान की सरकार ने जो स्पेशली किया जी कि हमेशा पेट्रोल पर वेट बहुत अधिक रखा जी, और उससे हमेशा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की अंतर कीमतों में एक ज़्यादा वेरिएशन आया, क्योंकि कहाँ 31% 29% और उसमें 1917%, आप देखिए ना वेट का अंतर, तो उसकी वजह से ही तो दाम में अंतर है। तो पेट्रोल से ज़्यादा वसूलना चाहती है इसलिए वेट ज़्यादा रखती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जनता को इतना अधिक क्यों वेट देना पड़े जी। तो जो ज़रूरतें हैं पेट्रोल डीजल गैस, ये जो बेसिक ज़रूरत है और रोटी कपड़ा मकान, तो क्या सरकारों को ये लग गया है कि इससे ज़्यादा हमको अच्छी आय नहीं हो सकती है, इसलिए इसको इस तरह से फिक्स कर दें और इसी पर वृद्धि करनी हो तो भी करते रहें। देखिए यही होता है, साफ तौर पर आप देख लीजिए, एक ट्रेंड है कि राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में या दूसरे राज्यों में वेट जो है अभी भी देखो जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है जी, ये दोनों उत्पाद जो जीएसटी में शामिल नहीं हुए आज की तारीख में, और पूरे पूरे देश भर में इसे जीएसटी में शामिल जो राज्य सरकारें नहीं करना चाहती, क्योंकि उससे वो राज्य इस बात को अपने हाथ में रखना चाहती है और अपने हाथ में रखकर उसे घटाती और बढ़ाती है और सीधा राजस्व हाथ में मिलता है। तो सरकारों की ये इच्छा देखिए, भले लोकतंत्र हो परंतु देश में एकरूपता लाना राज्य सरकारें नहीं चाहती। हमने तो केंद्र सरकार से मांग की थी कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो जीएसटी के दायरे में लाकर वेट हटाया जाए और सारे देश में एक जैसी कीमतें हो, पूरे देश में एक जैसी और जीएसटी लागू हो, परंतु ये भारत में आप देख चुके हैं जी, जीएसटी मुश्किल है लगाना इस पर। जब तक सभी राज्य एक साथ एकजुट नहीं हो तब तक तो सरकार के लिए मुश्किल है जी, पर जीएसटी में आना अच्छी बात है जी। अब ये बता दीजिएगा क्या अभी सरकार का जो फैसला है लॉलीपॉप है या फिर जोर का झटका धीरे से? नहीं सर, इसे कहेंगे कि राहत तो राहत है जी, जो दी गई है उसे स्वीकारना पड़ेगा चाहे कम दी हो जी, जो मांगा गया उतना नहीं मिला जी, उसमें से कुछ मिला, जो मिला उसके लिए धन्यवाद जी, पर जो नहीं मिला वो मांग जारी रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने हमारी पीड़ा को, जनता की पीड़ा को समझा और इस विषय पर आज इंटरव्यू किया। और मेरा एक छोटा सा और निवेदन है जी कि केंद्र सरकार ने, हम पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के लिए की मांग है कि 2017 के बाद हमारे कमीशन में वृद्धि नहीं की गई है। मैं एक छोटी सी बात से आपको बताना चाहता हूँ कि एक ठेले वाला है जो होलसेल की सब्जी मंडी से सब्जी लाता है और अपने ठेले पर सब्जी बेचता है, अब उसमें उसे क्या कमाना है वो स्वयं तय करता है जी। और आज हम इतने बड़े व्यवसाय को अपने हाथ में लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जमीन देते हैं, उस पर पेट्रोल पंप लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं और हमें जो मार्जिन है वह तय करना
सरकार का, केंद्र सरकार यानी कि सरकारी कंपनियां हैं तो केंद्र सरकार का, उनके हाथ में है। और 2017 से अभी तक हमारा जो डीलर कमीशन है उसे रिवाइज नहीं किया गया, नहीं बढ़ाया गया। आप सोच सकते हैं क्या 2017 के बाद महंगाई नहीं बढ़ी, किस चीज़ों में वृद्धि नहीं हुई है, किन किन चीज़ों में नहीं हुई, यहाँ तक कि बैंकों ने अपने चार्जेस तक बढ़ा दिए हैं। हमें हर तरह से संकट में आ रहा है, तो हमारी इस बात को भी जनता तक पहुँचे, केंद्र सरकार तक पहुँचे और यह वृद्धि हो, यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। कोई एफर्ट्स लगाए आपकी तरफ से इस मामले में? देखिए, हमने अभी जो हड़ताल की थी उसमें दो मुद्दों को लेकर हड़ताल की थी राजस्थान में जी। एक मुद्दा था राजस्थान में वेट कम करने का और दूसरा मुद्दा केंद्र सरकार के लिए था कि डीलर कमीशन को रिवाइज किया जाए। जो कमेटी बनी थी, बनी है जो, उस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है और उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया जाए, कमीशन को तत्काल बढ़ाया जाए ताकि जो पेट्रोल पंप एक तरह से बंद होने के कगार पर है उनको ऑक्सीजन मिल सके जी। तो राजेश्वर जी ने तो अपनी बात रख दी और इसमें क्या कुछ होना चाहिए वह भी बता दिया, लेकिन पेट्रोल और डीजल के जो भाव अभी कम हुए हैं इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी गाड़ी कितने कदम आगे बढ़ रही है और आपकी गाड़ी को कितना झटका लग रहा है, और चुनाव जो है उसमें ये ट्रेंड है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? ये सारी राय आप चैनल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन 100 रुपये का भाव अभी गैस पर कम हुआ है और करीब 4 से 5 रुपये का जो पेट्रोल डीजल का जो ये भाव कम किया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड देखा जाता था वो अब लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है, इसमें जनता के लिए ये कितना कारगर है यही बात लेकर हम आपके बीच पहुँचेंगे। क्या सोचते हैं? ये सारी राय आप चैनल के कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन 100 रुपये का भाव अभी गैस पर कम हुआ है और करीब 4 से 5 रुपये का जो पेट्रोल डीजल का जो ये भाव कम किया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी हमें चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो ट्रेंड देखा जाता था वो अब लोकसभा चुनाव में देखा जा रहा है, इसमें जनता के लिए ये कितना कारगर है यही बात लेकर हम आपके बीच पहुँचेंगे। सर, एक बार फिर कहना पड़ रहा है, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी बहुत।